Hello everyone, welcome back to Environmental Education. So this is the first lecture of our third semester. So today we shall be discussing the basic concepts of environment and what we are going to study here in this subject. So हम लोग एक के बाद एक discuss करेंगे. अभी what is environment education? ये तो environmental education. So environmental education is a process by which people develop awareness. Environmental education is a process by which people develop awareness, concern, and knowledge of environment, and learn to use this understanding to preserve, conserve, and utilize the environment in a sustainable manner. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें कि हमारा एनवायरमेंट का जो कैसे हम लोग इसको कंजर्व करेंगे, कैसे इसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे इन फ्यूचर में, अभी के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए. इसके बारे में जो स्टडी होगा, इसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे, ये सबको एनकम्पैसिंग, ये सबको एक साथ में हम लोग इसमें डालते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन में देखते हैं. देन इट एंटेल्स द विल टू टेक पर्सनल इनिशियटिव. मतलब कि इंडिविजुअल पर्सनल इनिशियटिव का मतलब हर कोई इसको इसमें आना पड़ेगा, एंड अलोंग विथ मतलब कि पर्सनली इंडिविजुअली तो इसको जानना पड़ेगा ही, देन सोशल पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत जरूरी है. सोशल पार्टिसिपेशन का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग अगर मैं अकेला या तो कोई स्टूडेंट अकेला इसमें इसको जान के कोई मतलब इतना कोई मिराकल नहीं कर सकता. अगर हम लोग सब इसमें आते हैं, सब सोशली अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन को समझते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन को अगर इम्प्लाई करते हैं, देन हमारा ये जो एनवायरमेंट है ये सस्टेन हो कर पाएगा इन फ्यूचर के लिए एंड प्रेजेंट जनरेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज इंटेंडेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब ये सबके लिए है. ये अगर कोई स्कूल में पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लाइक यू पढ़ाई खत्म हो गया हो, या लीडर्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, पॉलिसी मेकर्स हो गया, या तो कोई भी जनरल पब्लिक हो, ये सबके लिए ये क्या करता है, इसका जो बेसिक एजुकेशन है ये सबको जानना बहुत जरूरी है. इसके बारे में हमारा एनवायरमेंट के बारे में इसका गोल्स क्या क्या होता है. एक तो है हमारा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसको पढ़ सकते हैं. एनवायरमेंट का क्वालिटी मतलब ये हो गया इसका जो अभी का जो कंडीशन है, या तो जो इसका जो जिस कंडीशन में इसको रहना चाहिए उस कंडीशन में अगर हम तो इसको रख पाए तो उसका क्वालिटी मेंटेन हो सकता है, या तो अगर थोड़ा सा अगर खराब हो गया होगा अभी, लाइक पोल्यूशन हो गया ज्यादा, तो उसको अगर हम लोग पोल्यूशन कम करना स्टार्ट करते तो उसका क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगा. टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब कि एनवायरमेंट का अगर कोई प्रॉब्लम है, जरूर है अभी, तो जितना भी प्रॉब्लम्स वगैरह है इन सब के बारे में हम लोग सबको जानना चाहिए, ताकि उस टाइप का जो प्रॉब्लम्स या तो उस टाइप का जो एक्शंस हमारे द्वारा ना किया जाए. मतलब कि कुछ अगर एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है तो हम लोग वो काम ना करें. अगर उस टाइप का काम को अगर हो सके तो हम लोग उसको स्किप कर दे, उस काम को छोड़ के, मतलब कि उसी सेम में प्रॉब्लम तो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ताकि मतलब एनवायरमेंट को कम प्रॉब्लम आए, उस टाइप का हमें काम करना चाहिए. To create an atmosphere so that people participate in decision making and develop the capabilities to evaluate the developmental program. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक ऐसा एटमोसफेयर आना चाहिए जिसमें कि हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वो हम लोग सब लोग एक साथ समझे, उसको एक डिसाइड करे सब लोग मिलके कि इसका इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है. तो उस टाइप का एक माहौल होना चाहिए, एक एटमोसफेयर होना चाहिए जहाँ पे कि हम लोग सब लोग इसको पार्टिसिपेट करें इसमें. नेक्स्ट देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इसका हम लोग अगर इसका पार्ट्स देखें कि इसको किस टाइप का इसमें स्टडी होता है. एक तो आपका अवेयरनेस के बारे में होगा, देन आपका इसका नॉलेज, देन हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट होना चाहिए कि हम कुछ भी करें तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, कुछ भी एनवायरमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए. और इसका जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो उसके बारे में हमें जानना चाहिए, एंड सबको इस काम पे क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप का हमें स्टडी करना पड़ेगा, लाइक अवेयरनेस के बारे में, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन. ठीक है, नेक्स्ट जो अवेयरनेस होगा वो हमारा क्या होगा कि हमें नॉलेज सॉरी इसके बारे में जानना चाहिए. अवेयरनेस इसका जो जो सेंसिटिविटी पॉइंट है एनवायरमेंट के बारे में, क्या हार्मफुल है एनवायरमेंट को, हम लोग कैसे सही से रख सकते हैं, तो इसके बारे में हमें अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है. देन नॉलेज गेन वैरायटी
नॉलेज गेन ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्वायर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, मतलब कि इसका जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको अच्छी तरह से जानना, हाँ उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना हमें नॉलेज नॉलेज गेन में आएगा एनवायरमेंट के बारे में. देन एटीट्यूड्स, इट एक्वायर ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड फीलिंग्स ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट एंड द मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि हमें एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सही रखने के लिए जो हमारा एक माइंड सेटिंग होना चाहिए वो चाहिए इसमें, जो उसका जो स्टडी होगा उसमें हम लोग क्या है एटीट्यूड्स में पढ़ेंगे. देन आता है स्किल्स. स्किल्स का मतलब मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक्वायर स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इसमें क्या करेगा, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सा प्रॉब्लम है और इसका जो सोल्यूशन होगा उसका पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, वो हमें जानना जरूरी है इस स्किल्स सेक्टर में. देन पार्टिसिपेशन, मतलब अभी थोड़ी देर बताया मैं पहले कि पार्टिसिपेशन में हमारा सोशली आना पड़ेगा, इंडिविजुअली ठीक है, इंडिविजुअली इंडिविजुअली प्लस हमारा सोशली इसमें आना पड़ेगा सोशली, उसके बाद हमारा क्या होगा एनवायरमेंटल में इसका जो जो अच्छा अच्छाई का जो इफेक्ट होगा वो आएगा तब, ठीक है. देन एम्स, तो अभी स्टार्ट कर दिया कि इसको सबके लिए है, ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये किस किस के लिए बना है, ये सबके लिए बना हुआ है और इसका जो नॉलेज है, इस एनवायरमेंट का जो नॉलेज है ये क्या क्या कर देगा, ये एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने पे हेल्प करेगा, कंजर्व करेगा, देन यूटिलाइज एनवायरमेंट को सही से यूटिलाइज करने पे इसको हेल्प करेगा. देन आता है आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इंक्रीजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट, मतलब कि अभी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर उसका जो इंटरेस्ट वो बढ़ जाएगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है जो कि हमें पहले पता नहीं था, क्योंकि हम लोग हर कोई एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हर कोई स्टूडेंट हो या कोई भी ह्यूमन बींग हो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंट. इम्प्रूव्स स्टूडेंट अचीवमेंट इन कोर सब्जेक्ट एरिया, सो इस एनवायरमेंट के ऊपर स्टूडेंट का नॉलेज सही हो जाएगा, मतलब उस पर नॉलेज गेन कर पाएगा. देन प्रोवाइड्स क्रिटिकल टूल्स फॉर 21st सेंचुरी वर्कफोर्स, मतलब कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको, उस स्टूडेंट को या तो वो जो स्टडी कर रहा है उसको पता चल जाएगा. अभी मेजर कंसर्न क्या क्या है, मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न क्या क्या है, अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम किस किस टाइप का प्रॉब्लम है, एक तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगेन वाटर पोल्यूशन हो रहा है, देन आपका वेस्ट लैंड मतलब कि ये सॉलिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम आ रहा है, देन इसके हिसाब से हमें क्या हो रहा है, और एक हमारा जो क्लाइमेट का चेंज वो भी बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट का चेंज अभी बारिश होना या तो जो सन का जो अभी मतलब कि धरती का जो टेम्परेचर वगैरह ये सारा कुछ इसमें हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स में आते हैं. तो ठीक है, हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज, क्योंकि पहला लेक्चर है तो आज थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू देंगे क्योंकि बाद में हमें इन सबको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा. तो वाटर पोल्यूशन में क्या आता है, वाटर पोल्यूशन में आपका इसका कारण क्या क्या है वाटर पोल्यूशन होने का, तो एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है, देन आपका डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, देन फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने पे इसका वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, देन पैथोजेंस वगैरह से भी वाटर पोल्यूशन का स्टार्ट हो जाता है, देन इसका इफेक्ट क्या होता है, डैमेज टू द फूड चेन, फूड चेन में इसका प्रॉब्लम आता है, हम लोग पढ़ेंगे ये सबको, ये जो फूड चेन वगैरह कुछ जो भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे. अभी पहला लेक्चर के लिए हम लोग इसको एक ओवरव्यू एक जानना पड़ेगा कि किस किस टाइप का टर्म्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो इस टाइप का आप लोग स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ आप लोग लिख सकते हो देख सकते हो, जिसको मतलब जितना लिखना होगा देखना होगा वो कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका, देखिए वाटर पोल्यूशन के वजह से इस टाइप का आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो गंदगी फैला हुआ है सारा वेस्ट पानी में डाल दिया तो इसका जो पानी का जो क्वालिटी होगा ये वो गंदा हो गया, जो कि इसमें अभी आपको जो एक्वाटिक एनिमल है लाइक फिश हो गया टॉर्टोइज हो गया ये सारा कुछ इसमें अभी सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है इसमें लिविंग के लिए एक्वाटिक एनिमल का लिविंग के लिए जो कंडीशन था वो अभी नहीं रहा, तो इसीलिए हमारा जो ये जब अभी पोर्शन हो गया ये सारा कुछ पोल्यूटेड हो गया, ठीक है.
नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वो कैनल टाइप का कुछ हो गया देखिए, या फिर जाके सारा जम गया, तो इसका जो फ्लो होगा वो फ्लो में भी दिक्कत आएगा इसमें, जो ये गंदगी की वजह से। तो इस टाइप का जो भी चीज होगा, अभी देखिए इसके, एक तो देखने में ही गंदा लग रहा है, और ये कुछ भी अगर इंडस्ट्री हो गया, होम हो गया, ये सारा यहाँ से यहाँ पे फेंका जा रहा है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये हमारा एनवायरमेंट में अभी हो रहा है। ये किसके रिगार्डिंग? ये वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या क्या होता है? एयर पोल्यूशन में देखिए कॉजेस क्या है, इसका कारण क्या क्या है एयर पोल्यूशन का। एक तो हमारा जो पेट्रोल डीजल ये सब का जलने की वजह से, मतलब जलने का मतलब ये हो रहा है कि जो जितना भी व्हीकल्स है, जितना भी हमारा गाड़ी हो गया, उसमें हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स यूज किया जाता है, उसके बर्निंग के वजह से जो एग्जॉस्ट निकालता है, उस एग्जॉस्ट की वजह से हमारा एयर का पोल्यूशन होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें इंक्रीज कर देता है, कार एग्जॉस्ट, देखिए कार एग्जॉस्ट एंड अदर इमिशन स्मॉग, ठीक है। तो ये सारा कुछ एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। देन इंक्रीजेस रोड एंड एयर ट्रैफिक, इसके वजह से हमारा जो रोड हो गया या उसमें एयर में क्या पोल्यूशन ज्यादा कर देता है, ठीक है। देन इसका जो इफेक्ट्स होगा वो किस तरह का होगा, वो एक्सीडेंट में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा किस तरह का, रेस्पिरेटरी, देन कैंसर, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है वो किसके वजह से होता है? वो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। देखिए एयर पोल्यूशन की वजह से किस तरह का, देखिए अभी जो बताया था ना कि रोड एंड एयर ट्रैफिक, तो ये हो गया रोड एंड एयर ट्रैफिक। अब देखिए ये धुआ ही धुआ, यहाँ पे ये जितना भी है सारा कुछ एग्जॉस्ट है। किसका एग्जॉस्ट है? ये कार का। और ये एग्जॉस्ट कहाँ से आता है? इसके इंजिन पे जो आपका पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग होता है, उसके बर्निंग की वजह से जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या आता है, एयर पोल्यूशन करवाता है, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में हो गया तो इसका जो आउटलेट हो गया वो इस तरह का, इसको प्लूम बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये क्या है, ये एयर के लिए पॉल्यूटेड कंपोनेंट है ये सारा कुछ। सो एयर का पॉल्यूशन इस डिफरेंट तरह से हो रहा है। देन आपका आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा क्लाइमेट का चेंज होता है, इसका इंक्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी कारण देखिए किस किस कारण से क्लाइमेट का चेंज होता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देन आपका इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इस सब सारे कारण की वजह से हमारा क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। देखिए अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो बाढ़ आता है तो ये सारा कुछ कारण है क्लाइमेट चेंज के बारे में। बहुत ज्यादा बारिश हो जाते हैं, देन आपका जो एंटार्क्टिका का, या तो जो हमारा नॉर्थ पोल में जो आइस वगैरह है, वो सारा कुछ क्या हो रहा है, अभी इसका मेल्ट होने स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से जो हमारा वाटर, सी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया, तो इसका जो साइड का जो एरियाज वगैरह होगा उसमें क्या कर देगा, ये फ्लडिंग कर देगा। तो इस हिसाब से इस टाइप का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा कुछ हमें सहना पड़ रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।